मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम मेरे नाम पे कोई भी वादा करो वो मैं निभाऊंगी। तो बाबा लोग, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जो सुनी तो सबने है पर देखी बहुत ही चुनिंदा लोगों ने भाई, क्योंकि ये है ही ऐसी पिक्चरें, क्या करें। तो इस वीडियो को नाक से सुनने के लिए तैयार हो जाओ और बिना किसी चर्चे बहबे के फटाफट से शुरू करते हैं। बाकी तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। और तो तुम्हें पता ही है, अनशर्ट सजेशन के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। गुड गुड, प्लीज सिट। Very nice tune. मतलब भाई इस मूवी की रेटिंग्स इतनी गिरी हुई है कि ये पिक्चर कहीं देखने के लिए भी अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। YouTube पे 360p में देखनी बढ़िया, बताओ ये तो टट्टी है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मेरा एक एक्स है, उससे ज्यादा गिरा हुआ ईमान किसी का हो नहीं सकता, फिर मैंने ये पिक्चर देख ली। Modern problems require modern solutions. तो आप लोग देखो, अपन को शुरू में देखने को मिलता है कि एक बंदी नादिया, उसका हो गया है डेड सीन। तेरा नाम क्या है? नादिया। क्या डांडिया? नादिया। अच्छा डांडिया। और इसके गेम ओवर के लिए HR को सलाखों के पीछे कर देते हैं। It's a mistake! चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। और तो और भाई के फैंस पीछे से उसको फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा है, इसको तो वही रहना चाहिए, इसी के लायक है ये गधा कहीं का। तू यहाँ आकर मेरी नाक न कटवा दे। नाक कट गई तो गाएगा कैसे भाई? आप सलाखों के पीछे चले गए भाई, दैट टू इतनी हॉट लॉयर होने के बावजूद भी। अगर जर्मनी में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। पर भाई तो अपने इवेंट मैनेजर पे फिदा है डूड, जिससे वो बस एक दिन पहले मिले हैं और फिर कह रहे हैं कि तेरी यादों ने तन्हा न छोड़ा कहीं। I love Himesh. I love you. My grandfather loved food. भाई बस मतलब एक दिन में प्यार हो गया। एक बार ही चेक कर सकते हो कि कहीं ठरक को प्यार से कंफ्यूज तो नहीं कर लिया आपने कहीं। And I'm the luckiest girl in the world. क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। Wrong. क्योंकि मेरे दिल में छेद है। आपसे एक सवाल पूछूं? क्यों नहीं? It's the same question the whole world wants to ask you. Why don't you smile? आप मुस्कुराते क्यों नहीं? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूक गया है। और ब्रो ये वही बंदी है जिसकी खबर फैली थी कि बड़े होने के चक्कर में इस बंदी ने इंजेक्शन ले लिया और अब इतने बड़े को कोई कास्ट ही नहीं करना चाहता पूरी इंडस्ट्री में। लो वाओ। बंदी अपने बाप को बताती है कि पापा आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी, हमारा प्यार सच्चा है, आपको समझ नहीं आने वाला, आप टकले हो, आपके सर से ऊपर बात जाएगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, न वो तुमसे प्यार करते हैं न ही इस बात का कभी इजहार करेंगे, वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके। भाई मतलब इतनी फालतू की मूवी थी ना ये, इसको मतलब आगे देखने का मेरा मन भी नहीं करा। मतलब हिमेश ने इधर सारी लड़कियों को पूरी पिक्चर में अपने आप से ऐसे चिप करवा रखा है कि बस जैसे यही बचा है भाई पूरी दुनिया में एक हॉटी, बाकी लड़के तो मर गए। आशिक बनाया। बैक ऑफ रूबी, बिहेव योरसेल्फ। व्हाट्स द प्रॉब्लम हिमेश? डोंट यू नो आई लव यू? यार ये बहन कलेश है यार जिंदगी में, मैं ऐसे ऐसे बंदों से बंदी साथ। HR तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मरा सकता हूँ। रात के 12 बजे तुझे एक लड़की घर तक छोड़ने को तैयार है और तू साले बिल्ली मार सकता था साले। क्या बोला तूने? बिल्ली मार सकता था साले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब एक सदमा काफी नहीं था कि हिमेश ने सोचा चलो एक और पिक्चर बनाई जाए। मतलब इतना बड़ा डिजास्टर करने के बाद हिमेश की लाइफ में 12 बजे थे, मेरी शक्ल पे 12 बजे थे। तो अपन लोग देखते हैं जैसे स्टार्टिंग में ही एकदम हिमेश का डिवोर्स ग्रांटेड। और भाई ये इतनी हरामी लड़की होती है, अपने गणपति जी जो इसी ने गिफ्ट किए होते हैं इसको, वो भी उठा के वापस ले जाती है क्योंकि ये मेरा है। हाँ। यार कितना बड़ा यार, मैं भी। बात तो सही है। नाउ ऑन द नाइट ऑफ देयर डिवोर्स बंदा अपना मस्त फुल कंसंट्रेशन के साथ दरवाजा खोल रहा होता है कि हैप्पी एनिवर्सरी। नाउ जस्ट इमेजिन आप अपना काम कर रहे हो कुछ और आपके सामने एक फ्लिप आके खड़ा हो जाए और भाई अगले ही मिनट उस फ्लिप को आपने अपनी गाड़ी में भी बिठा लिया। वैसे ये जो बंदी है शहनाज है तो ये बहुत प्यारी। यू ऑल्सो गेट द हेल आउट ऑफ हियर ब्लडी क्लाउन। ये वाली चलेगी। नहीं चाहिए मुझे, अब कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आई वांट टू बी अलोन, नो रिलेशनशिप। और डूड देखो, जब आप एकदम सच्चे दिल से चाहते हो ना फाइनली, अब किसी को दिल नहीं देना भाई फिर से, तब भाई पूरी कायनात एक नए इंसान को आपकी जिंदगी में ला के पटाखी देती है और फिर आपने अपना जो वो टूटा हुआ दिल फेविकॉल से चिपकाया हुआ था फिर उसे दे बैठे क्योंकि मैं हूं। अब भाई ये बंदा उसके घर का एड्रेस निकलवाता है उसके घर जाके माफी वाफी मांगने के लिए, तो वहाँ पता चलता है उसको कि भाई इस बंदी की तो एंगेजमेंट हो रही है और बंदी आगे सीधा उससे चिपट जाती है। भाई दीवान दीवान कह दो कि तुम ये शादी नहीं होने दोगे। A few moments later. एक तो ये साला हर पिक्चर में सलाखों के पीछे क्यों जा रहा है भाई, और अब वो फ्लिप लड़की जो होती है ना वो आ जाती है फिर इससे माफी मांगने के लिए। इन दोनों का अलग ही आपस में माफी माफी खेल चल रहा है। आई एम सो सॉरी विवान, कर दो ना माफ प्लीज। दोनों देखो आपस में मस्त दोस्त बन जाते हैं, आपस में घूमते फिरते कॉफी वॉफी मार्केट के चक्कर वक्कर काटना, वही शुरुआत वाले सुनहरे दिनों का मस्त एंजॉय करते हुए शुरुआत के दिन आते हैं ना जब आपको खुद नहीं पता होता कि आप फिर किसी को ऑलरेडी करोड़ों बारी जो टूटा हुआ दिल है वो फिर से देने वाले हो, और फाइनली एक दिन यू आर लाइक चलो फिर से कटवाते हैं। दीदी यू आर इन लव, क्या देखा तुमने उसमें? उसकी छोटू सी नाक जिससे वो गाना गाता है, उसके हेयर ट्रांसप्लांट करवाई हुई खोपड़ी, उसका पिचके हुए बादाम जैसा चेहरा। अब देखो प्रोफेशनली ये बंदा होता है एक आरजे और उसकी रेटिंग बहुत नीचे जा रही होती है भाई, तो बंदा उसको अपने शो में ले आता है मिस्ट्री गर्ल के नाम से, जो हिमेश से प्यार करती है। लम्बाओ क्या चल गया रहा है ये? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शनाया के बॉयफ्रेंड हो। ऐसी बातों के लिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कल से शनाया इज अंडर हाउस अरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब साइड से इसका बॉस इसको गाली दे रहा होता कि तू चुप है, हमारे शो की रेटिंग्स बहुत बढ़ रही थी, लड़की को लेकर आ वापस, बोल उसके बाप को कि तू उसका बॉयफ्रेंड है फलाना मांगा। चलो आ जाए, फैसला तो हो गया कि साडी शनाया तेरे घर में भूखी नहीं मरेगी। और इस तरह से मैं इस घर का ऑफिशियल दामाद बन गया। अब वहाँ से इसका बॉस कहता है कि देख उसको बोल दे आई लव यू, और वो कहता है मुझे बवासीर है। आई कांट से दीज लाइंस शनाया, अब इस दिल में किसी के लिए कुछ नहीं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब इस साइड से इसकी एक्स वाइफ खज्जल हो रही होती है कि मैंने तो गलती कर दी, मैं तो उसी से प्यार करती हूँ। You're a strong girl. एक दिन तुम्हें विवान से भी कोई अच्छा मिल जाएगा। मुझे विवान से अच्छा नहीं चाहिए, मुझे विवान चाहिए। छोटी बच्ची हो क्या? फिर बॉस बोलता है हिमेश तो चुप है, इसको रहने दे, इसके बस की नहीं है कुछ भी करना। एक काम करो शनाया, तुम उसको पहले आई लव यू कह दो। क्यों नहीं? जिंदगी खूबसूरत है पर वो जिंदगी नहीं जिसमें प्यार ना हो, और तुम्हारी जिंदगी में प्यार मैं लाऊं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी? अब भाई ये दोनों मिलकर एकदम म्यूजिक एल्बम में निकाल रहे हैं, उसकी कोरियोग्राफर इसकी एक्स वाइफ को रख लेते हैं, फिर ये तीनों मस्त दोस्त बन जाते हैं, चिलिंगे चल रही हैं इन तीनों के साथ में। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनना, 3 लोग कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। आप वो वाले बेस्ट फ्रेंड हो कि भाई तो इसको ये बात मत बताइए कि मैंने बता दी है। भाई देखा जाए तो कुछ नहीं है इस पिक्चर में, इस चूहे को 2 घंटे से ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इससे प्यार करती है, और ये इतना बड़ा चूहा खुद कि इसे ये भी नहीं पता कि ये भी इससे प्यार करता है, और अगर इस चूहे को ये पता चल गया होता तो ये 2 पैसे की पिक्चर ना कभी बनती ही नहीं। क्योंकि तुम बहुत बड़े इडियट हो, और तुमसे बड़ा इडियट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तुम्हारा नाम सना है? यस। तुम यहाँ रहती हो? यस। तुम करण के साथ घूमने जाओगी? यस। यू आर गे? यस। नो 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 नो। भाई एक होता है ये लौंडा जिसकी लाइफ में वो सब चीजें ऑलरेडी हैं जिनके लिए लोग इंस्टाग्राम पे मर रहे हैं ब्रो, जैसे दौलत, शौहरत, बड़ी गाड़ी, एंड ऑब्वियसली ये सारे फालतू खर्चे उठाने वाला एक रिच शिट टॉक्सिक बाप। कम बैक टू द ऑफिस राइट नाउ। मैं ऑफिस आया था डैड, मैं बिजी था उस टाइम पे, अब मैं हूँ। Sometime later we'll plan this trip. Now I'm on a trip, Dad. अब इस खजल रिचर्ड बच्चे की लाइफ में इतनी रड़क इसलिए होती है भाई क्योंकि इसका रिचर्ड बाप होता है इमोशनली अनअवेलेबल। आप हमेशा समझाते क्यों हैं डैड? कभी बात क्यों नहीं करते? बात? What do you want me to do? Tell you stories? अब नॉर्मल सी बात है यार, जिसको देखो अपने खुद के घर में इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिलती तो ऑब्वियसली वो इंसान बाहर की दुनिया में ढूंढता है, दोस्तों में, बंदी में। कितनी खुश लग रही है ये लड़की, इसको आई लव यू बोल के इसकी सारी हस्ती खेलती जिंदगी को उजाड़ देता हूँ। जगह और ओह गॉड दिस इज सो एम्बैरेसिंग, सब लोग देख रहे हैं, कैन यू जस्ट प्लीज गेट ऑफ। ओके Later that same evening. तुम यहाँ तुम्हारी बस का पीछा करते हुए, ट्रैफिक से लड़ते हुए, रेसलेस से बचते हुए, धूप से झगड़ के, बारिश से जूझ के, फाइनली तुम्हारे घर के ऊपर। अब बंदे को इमोशनल अवेलेबिलिटी तो मिल जाती है इस बंदी से और दोनों की हो जाती है फुल पावर सेटिंग। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं कि Come on, waiting for my cool kiss. अबे यार फिर से लग गए। मुझे इमोशनल अवेलेबिलिटी कब नसीब होगी यार भगवान कब? तो ये बंदा क्या करता है, एक टाइम मशीन में जाता है, वहाँ से 2050 में चला जाता है। कोई सेंस है इस बात की? और भाई मेरा यकीन मानो जब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि वहाँ जाके उसको ये बंदी दिख भी जाती है ब्रो, और उसको ये पटा भी लेता है। लाइक इट्स सो इजी पीजी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और ब्रो इतना ही नहीं वहाँ ये अपने फ्यूचर सेल्फ को भी टकराता है जिसको बिल्कुल भी इसकी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो इमोशनल अवेलेबिलिटी में। देखो अपने फ्यूचर सेल्फ से भी लड़ लिया। एक बार फिर से इस बंदे ने कामयाबी हासिल कर ली भाई, इस बंदी को सक्सेसफुली ब्रेन वॉश करने की। और इतना ही नहीं भाई, इस बार बंदे ने इतना तगड़ा गेम खेला है बंदी के दिमाग से कि उसको सीधा 2050 से पास्ट में अपने साथ ले आया ब्रो। मतलब वो बंदी खुद एक सेलिब्रिटी थी भाई, फ्यूचर में अपने आराम से कम्फर्ट में रह रही थी, और एक गधा सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी के चक्कर में उस लड़की को फ्यूचर से पास्ट में ले आया ब्रेन वॉश करके, जस्ट बिकॉज ताकि ये बंदा रातों में अकेला ना सोए। क्योंकि जैसा अपन सबको पता ही है ऑलरेडी, पूरा दिन तो बहुत आसानी से कट जाता है, पर असली दिक्कत तो रात में होती है जब आप सो रहे होते हो। और हम जैसे सिंगल लोगों की तो भाई यार क्या ही बताऊं, मीम से ही जिंदा है हम लोग, उसी का सहारा है और क्या। सही बात है। तो बाबा लोग ये थी 3 पिक्चरें जिनकी IMDb रेटिंग बहुत ही ज्यादा गई गुजरी थी भाई। इनमें से मुझे सिर्फ एक ही पिक्चर देख के मजा आया, वो थी रेडियो, क्योंकि उस पिक्चर में शहनाज भी थी थोड़ी बकवास करने के लिए। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। तुम क्या मुझे दिखाओगे?